गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो नेक्स्ट वीडियोस तक जो मैंने सेंड किए थे कल, उसमें हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखा था जो सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट को चेंज कर रहा था। तो उसके लिए हमने एक एक्टिविटी भी की थी और इस एक्टिविटी के हम 5 पॉइंट तक क्लियर कर चुके थे। 6th पॉइंट है इसका, फ्रॉम द कर्व, जो कल अपन ने ग्राफ बनाया था उसमें कर्व से इट इज क्लियर, ये स्पष्ट होता है दैट द टेम्परेचर रिमेंस कॉन्स्टेंट। जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है, वो कॉन्स्टेंट रहता है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से बी तक। इट इज ए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, जो कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है और वो मैं आपको मेल्टिंग पॉइंट कल बता चुका हूं, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कई बच्चों के ये बात जरूर दिमाग में आ रही होगी, सर जी जो है कि नोट्स हैं वो बिल्कुल एज इट इज ऐसे के ऐसे ही उतारने हैं, या जो है कि जो आप समझा रहे हो, देखो मैं समझाने के लिए मैटर ज्यादा ले सकता हूं, पर जो आपको नोट्स बनाने के लिए जो दिए जाएंगे वो मैं सेलेक्टेड ही आपको दूंगा। ये पूरा जो मैं समझाऊंगा वो सभी नहीं दूंगा नोट्स को, भाई समझाने के लिए तो आप अदर मतलब वो यूज किए जा सकते हैं, ग्राफ्स यूज किए जा सकते हैं, पर जो नोट्स आपको बनाने हैं वो कम्प्लीटली ऐसा कैसा नहीं होगा, उसमें शॉर्ट किया जाएगा थोड़ा सा। तो उसके लिए मैं जो फोटो सेंड करूंगा उसमें नोट भेजूंगा, नोट वन, नोट टू, नोट थ्री, तो वो उसी सिक्वेंस में आपको नोट्स बनाने, इसलिए ये बिल्कुल चिंता ना करें कि बिल्कुल एज इट इज ऐसे कैसे हुई सर इसको कॉपी करना है, नहीं मैं वो मेरी जिम्मेदारी में कैसे सेट करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट आगे देखिए, 7th पॉइंट है द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स एट 1 एटमोस्फियर प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये डेफिनेशन हो गई बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, देखिए ये बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन हो गई। द टेम्परेचर वह तापमान एट विच जिस पर लिक्विड बॉइल्स, लिक्विड बॉइल होने लगता है एट 1 एटमोस्फियर प्रेशर, ये प्रेशर की लिमिट है कि एटमोस्फियर जो वायुमंडलीय दाब है वो 1 एटमोस्फियर होना चाहिए, इस कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का। अब हमने जो हमारी एक्टिविटी ली है उसमें वाटर लिया है लिक्विड फॉर्म में, तो वाटर का ही बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। ड्यूरिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जब हम पानी को जो बॉइल करते हैं, ड्यूरिंग बॉइलिंग ऑफ वाटर, जब पानी को हम बॉइल करते हैं, टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट, उसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है, नियत रहता है, स्थिर रहता है, और वो कितना रहता है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं, पूरा वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा पर इस टेम्परेचर से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। एट पॉइंट है आपका इन कर्व, जो वो कर्व था ग्राफ में, द टेम्परेचर अगेन रिमेन्स कॉन्स्टेंट फ्रॉम पॉइंट सी टू डी। आप ग्राफ में वापस देख लीजिएगा, सी टू डी से वो जो कर्व का जो टेम्परेचर है वहां पर वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा कर्व पर। एक्चुअली इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑफ टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, हियर द सप्लाइड हीट इज यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैसेज स्टेट। तो वहां पर भी टेम्परेचर मैंने बताया था कॉन्स्टेंट रहा था। अब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट इसलिए है कि जो आपके द्वारा जो हीट दी जा रही है, वो केवल चेंज करने के काम में आ रही है स्टेट को, किसको, लिक्विड टू गैस। अब बस जो टेम्परेचर जा रहा है वो केवल लिक्विड को किस में चेंज कर रहा है, गैस में चेंज कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। स्टेट बाई ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल, वो पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको तोड़ने के काम में आता है। अब देखिए मैंने कहा था ना कि आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए मैटर ज्यादा लिया जाएगा, नोट्स के लिए कम मैटर लिया जाएगा, वो मैं सेलेक्ट फोटो खींच की बग भेजूंगा जो आपको वर्क करना है। तो देखो अब समझाने के लिए फिर ये टॉपिक को थोड़ा सा मैं ब्रॉड ले रहा हूं, तो देखिए
इन सॉलिड, बात करें सॉलिड की, ठोसों में द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं, उनके बीच में जो पार्टिकल होते हैं उनका जो फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स, वो स्ट्रॉन्ग होता है। एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर क्लोजली पैकेड, और उनके जो पार्टिकल होते हैं वो निरंतर एक दूसरे से क्लोज पैक्ड होते हैं, बिल्कुल पैकिंग में होते हैं।